सुपेला भिलाई निवासी सौम्या ताम्रकार जो महज 7 वर्ष 3 माह की है, इन्होंने अपने पिता संदीप ताम्रकार के सानिध्य में एवं मार्गदर्शक शशांक गुप्ता के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र में कराटे खेल में ब्लैक बेल्ट पाने का गौरव प्राप्त किया है। कराटे खेल के गुण सिखा रही इस नन्ही सी बच्ची का नाम है सौम्या ताम्रकार, जो कि सुपेला में रहती है और इनके पिता क्रिएटिव कराटे कार्ड में चलाते हैं। और इस एकेडमी में सौम्या के पिता संदीप ताम्रकार ने अपने प्रदेश और देश को कराटे के खेल में अब तक कई ब्लैक बेल्ट भी दिए हैं, जिन्होंने अपना नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखवाया है। सौम्या भी अपने पिता संदीप ताम्रकार के सानिध्य में एवं शशांक गुप्ता के मार्गदर्शन में महज 4 साल की उम्र से कराटे का खेल सीख रही थी और सौम्या ने इस खेल को इस कदर अपनाया और छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र की ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी बन गई। इसके पूर्व इनके पिता की ही शिष्य प्रतीक्षा अग्रवाल, जिन्होंने 8 वर्ष की आयु में ये कारनामा कर दिखाया था, सौम्या ने इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि सौम्या अभी महज 7 वर्ष 3 माह की है। बावजूद इसके इनकी खेल विधा को देखकर बड़े बड़े खिलाड़ी अपने दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते हैं। सौम्या के पिता संदीप ताम्रकार का कहना है कि शासन प्रशासन से अगर मदद मिलती है तो वे कराटे की खेल की विधा में ऐसे कई नगीने उत्पन्न कर सकते हैं जो देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। इनके मार्गदर्शक शशांक गुप्ता भी सौम्या के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट नजर आए और सौम्या को आगे के सफर के लिए और कठिन परिश्रम करने को तैयार है, जिससे सौम्या अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपने खेल का लोहा मनवा सके। ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ सीखो काई कराटे छत्तीसगढ़ के माध्यम से, जैसे क्रिएटिव कराटे एकेडमी है हमारी, ठीक है, उसमें मैं एज ए कोच भी हूँ, रेफरी गाइड हूँ, और जिसके माध्यम से कई वर्षों से 7 सालों से हमारी कराटे क्लासेस चल रही है, जिसमें क्रिएटिव कराटे एकेडमी से प्रतीक्षा अग्रवाल थी, जिन्होंने 8 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के ब्लैक बेल्ट हासिल किया था और उसी का रिकॉर्ड ब्रेक करके हमारे एकेडमी सौम्या ताम्रकार, क्योंकि मेरी बेटी भी है, विगत 3 सालों से ये प्रैक्टिस कर रही थी KPS सुंदरनगर में, और उसको करते करते आज 7 साल 3 महीने में आज उसको ब्लैक बेल्ट आज एग्ज़ाम और सर्टिफिकेट मिला है। इसके पहले क्या इंडिया लेवल की अगर बात करें तो किसने लिया है पहले सबसे कम उम्र में? एक है जो 6.5 साल की उम्र में उन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। तो ये जो उपलब्धि है, इतने कम उम्र में ब्लैक बेल्ट इन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसको आगे इनके भविष्य को लेकर के क्या आपकी प्लानिंग से और क्या कैसे देखते हैं इनके भविष्य को? भविष्य को प्लानिंग ये है कि आगे इनका कॉम्पिटिशन और थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो स्टेट मेडल रायपुर जो हुआ था आयोजित राज्य स्तर प्रतियोगिता में ये प्रथम स्थान हासिल किए हैं। इसके आगे के जो इनकी ट्रेनिंग रहेगी थोड़ा सा टफ होने के बाद ये नेशनल पे इनका फोकस है। नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे जो साउथ एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स है, आगे जो है कड़ी प्रशिक्षा और रहेगी कि कॉमनवेल्थ गेम है 4 साल बाद, तो टारगेट ये है कि कॉमनवेल्थ के हिसाब से कॉमनवेल्थ की तैयारी अपन करें। ठीक, माध्यम से शासन से जो हमें इंडोर स्टेडियम और कुछ जो इक्विपमेंट्स जो लगते हैं कराटे के लिए, मैट है और कुछ ट्रेनिंग गियर्स है, ये इन्होंने मांग किया है क्या, अब शासन आगे जैसे चाहेंगे वैसा प्रोवाइड करेंगे। मैं शबुद्ला ग्रुप ऑफ स्कूल्स में भी आई हूँ, कराटे कोच भी हूँ, और ये सौम्या ताम्रकार जो विगत 3 वर्षों से हमारे सत्रों प्रैक्टिस करते आ रही है और आज 7 साल 3 महीने में इन्होंने ब्लैक बेल्ट हासिल किया है। कुछ ही दिन पहले जो रायपुर में आयोजित थी स्टेट प्रतियोगिता, उसने फर्स्ट मेडल लिया है और आगे की तैयारी इसकी चल रही है। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया बॉडी है उसमें मेडल लेना साउथ एशियन एशियन में वर्ल्ड तक जाने की इसकी तैयारी है। बिल्कुल जैसा बच्चे खुद भी एफर्ट लगाते हैं, हम प्रशिक्षक जो सुबह से हम लोग मॉर्निंग में 2 घंटा प्रैक्टिस लेते हैं, इनका टाइमिंग अभी तो बहुत छोटी है बच्ची, जैसे सीनियर बच्चे के लिए जिम सेशंस वगैरह रहता है, तो इसको हम लोग इनको वॉकिंग वगैरह करा के सब करा के लगे हुए हैं। बच्चे जितना एफर्ट करते हैं उनसे ज़्यादा समय लेंगे आगे बढ़ाने की मांग करते हैं। आगे क्या उम्मीद रखते हैं सौम्या से? बिल्कुल, जैसे स्कूल गेम्स है बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्कूल गेम्स में बच्चे अभी खेलेंगे, जब 6 ईयर अपनी क्रॉस कर दिए मिनी लेवल पर खेलेंगे, जून जुलाई से स्टार्ट करते हैं ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट
स्टेट लेवल पर होता है नेशनल स्कूल लेवल पर, ये भारत सरकार द्वारा आयोजित होता है नेशनल जोन, इसमें भी शुरुआत होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट 2 महीने बाद की होगा कराटे इंडिया और एशियन के स्टेट चैंपियनशिप है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होकर नेशनल लेवल पर। सौम्या ताम्रकर जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानती, वो इस खेल की विधा में पूर्ण पारंगत हो चुकी है, परंतु अपनी भाषा में सौम्या ने भी मीडिया से चर्चा की। बेटा नाम बताएंगे आपका? सौम्या ताम्रकर। ओके सौम्या, आपने अभी क्या अचीव किया है, कौन सा बेल्ट मिला आपको? ब्लैक बेल्ट मिला है। आप इतनी छोटी हो, इतनी छोटी सी उम्र में आपने ब्लैक बेल्ट हासिल किया, तो इसका क्रेडिट किसको दोगी, कैसे मिला आपको, किसने सिखाया आपको? तो कैसे खेलते हो, सुबह कितने बजे उठते हो आप? 6 o'clock इवनिंग और मॉर्निंग? इवनिंग। तो आप जाते हो वहाँ क्लब में, क्या क्या सीखते हो, क्या क्या करते हो? काता करते हो और रनिंग और भी रहते हैं तो आप ये जो कराटे सीखते हो, आपको अच्छा लगता है कराटे? और कोई गेम? बैडमिंटन। सौम्या ताम्रकर की इस उपलब्धि से जहां उनके पिता संदीप ताम्रकर और उनके मार्गदर्शक शशांक गुप्ता बेहद खुश हैं, तो वहीं सौम्या ने सबसे कम उम्र की कराटे की ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी बनकर दुर्ग जिले सहित प्रदेश का नाम बढ़ाया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।